गुरु आज 27 फरवरी स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने किसको अपना पहला लोनलीनेस मंत्री नियुक्त किया है टेटसुशी साकामोटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में किस वर्ष तक भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग होगी? ये होगी 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि भारद्वाज को अमेरिका द्वारा नवगठित अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह निम्नलिखित में से किसकी संस्थापक हैं? तो वह हैं सतर्क नागरिक संगठन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर बेदी की आत्महत्या का नाम क्या है? नाम है स्टोरी आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने जेल अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है, एक धारा 52(1) में न्यूनतम कितने वर्ष की कैद के साथ संशोधन किया गया है? किया गया है 3 वर्ष की कैद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिशर इंक के साथ एक इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करेगा? ये करेगा फॉक्सकॉन टेली टेक्नोलॉजी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, और उनमें से किसके प्राप्तकर्ता थे? तो वे थे पद्मश्री, केंद्रीय साहित्य अकादमी और केरल साहित्य अकादमी, यानी सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में उत्तराखंड की महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में आयोजित IIT मंडी के 12वें स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है जयराम ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में ग्लेन मार्क फार्मास्यूटिकल्स ने इंडिया फार्म इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया। ग्लेन मार्क ने भारत सरकार से कितनी बार पुरस्कार जीता? तो जीता 4थी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई बाइज पार्टनर प्रोग्राम के हिस्से के रूप में ALNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज को निम्न में से किसके द्वारा चुना गया है? तो ये चुना गया है एयरबस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक टॉप फेयर का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो आयोजित किया जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण मार्च 2021 में आयोजित किया जाएगा, निम्नलिखित में से इसे कौन आयोजित करेगा? ये करेगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय स्वतंत्रता आयोग, CII, इन्वेस्ट इंडिया, यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का प्रधानमंत्री औपचारिकता का शुभारंभ किया? तो ये किया है मणिपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य परिवहन विभाग का ई परिवहन व्यवस्था लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला? ये मिला है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में किसके नेतृत्व वाली कांग्रेस द्रमुक गठबंधन सरकार के पतन के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था नारायण स्वामी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में नई दिल्ली में भारत यूएसए कार्यकारी संचालन समूह की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? किया गया था 24वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत में किस देश के साथ यूएन सुरक्षा परिषद के मुद्दों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय परामर्श किया? किया आयरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकन स्थानों के चरण 4 के तहत कितने प्रतिष्ठित स्थलों के चयन की घोषणा की है? घोषणा की है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में ओवर द टॉप OTT ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विनियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की घोषणा किसने की? घोषणा की है प्रकाश जावड़ेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत और निम्नलिखित में से कौन सा देश बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सहमत हुआ है? तो यह है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को आतंकवाद निरोधक ग्रे सूची में रखने का फैसला किया है? तो फैसला किया है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्वितीय खेले इंडिया इंटरनेशनल विंटर गेम्स में उद्घाटन भाषण दिया? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक लेह लगभग कितने करोड़ रुपए के समग्र विकास के लिए तैयार है? तो यह है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 के लिए टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है उत्तम लाहिड़ी को।